बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं आप सब लोगों को अपनी आयल्स की वीडियो में खुशामदेद करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया एंड सत श्री अकाल पंजाब, और बाकी जहां जहां पे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप सबको भी अ ग्रेट हेलो फ्रॉम असद याकूब फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट राइटिंग सीख रहे हैं जनाब हम, और रिपोर्ट नू दे रहे हैं असी रगड़ा पंजाबी च। नहीं जिम्मे रगड़ा दईदा, इनू रगड़ा देंगे तो फिर ये सही रहेगी रिपोर्ट। हाँ, ये रिपोर्ट बड़ा तंग कर दी है, बहुत सताउंदी है सानू। जिहड़ी चीज़ सताउंदी है उनू रगड़ा दोगे तो आप ही सैट हो जाएगी। तो मैं थोड़े नाल रल के रिपोर्ट नू रगड़ा देंगे तो रिपोर्ट ताडे वास्ते मुश्किल नहीं रहेगी। आपां रिपोर्ट नू सबक सिखा देवांगे, डोंट वरी एट ऑल, राइट। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने ग्राफ्स जो फ्यूचर ट्रेंड वाले हैं उनके बारे में कैसे लिखने। कुछ आपको ग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं। सो राइटिंग अबाउट ग्राफ्स विद अ फ्यूचर ट्रेंड, कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें फ्यूचर का कोई ट्रेंड आ जाए तो उसके बारे में आपने कैसे लिखना है, ये भी तुहानू मैं ही सिखावांगा, ठीक है। फॉलो कीजिएगा मुझे। Sometimes in the exam you can be asked to write about a graph with a future trend. Okay, you should write your answer in the same way as before. Jo pehle tarika bataya hai usi tarike ke mutabik aapne apna answer likhna hai, but instead of using the past simple change the grammar and use future tense. Bajaye iske ki aap past simple likhe, ab agar tense future aa gaya hai to aapne फ्यूचर का टेंस यूज करना है। अब जरा इस लाइन ग्राफ को गौर से देखिएगा, इसका मुशाहिदा कीजिएगा, फिर इसी को हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। द ग्राफ बिलो शोज प्रिडिक्शंस अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु विल स्टडी थ्री मेजर वर्ल्ड लैंग्वेजेस बिटवीन 2020। अब जो ग्राफ है वो हमें दिखा रहा है, प्रिडिक्शंस हैं अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु विल स्टडी थ्री मेजर लैंग्वेजेस बिटवीन 2020 एंड 2030, टोटल फ्यूचर, ठीक है। अब जो ग्राफ आ रहा है वो आपका फ्यूचर का, आपने ये सीखना है हाउ टू राइट अबाउट ग्राफ्स विद अ फ्यूचर ट्रेंड। नेक्स्ट, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। अब ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, इसको जरा गौर से देख लें, ठीक है, देख लें कि ये क्या है, किस चीज के बारे में है, क्या क्या होगा, इसका पहला पैराग्राफ कैसे आएगा, एंड ऑल दैट। अब इस ग्राफ को हमने फ्यूचर टेंस में लिखना है। आइए कुछ सेंटेंसेस इसके बारे में देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेनिश रोज कंसीडरेबली। ये क्या था, ये पास्ट में था जब हम पहले लिखते थे पास्ट का। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है फ्यूचर में। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेनिश will rise considerably, will rise, future आ गया है, कोई मुश्किल, यानी अगर साल आगे के चले जाएंगे तो आप future tense use करेंगे, past के years होंगे तो आप past tense use करेंगे, और अगर present के होंगे तो आप present tense use करेंगे। आइए कुछ और sentences को past से future में convert करते हैं। There was a steady rise in the number of people who study English. There was, अब future क्या हो जाएगा, There will be a steady rise in the number of people who study English. There will be, hoga, theek ho gaya, very good. Next, the number of students of Mandarin rocketed. Number of students of Mandarin rocketed, past tense hai. Ab iska future kya hoga, the number of people who study Mandarin will rocket, ke future mein jo Mandarin ya Chinese language ki ek kism hai jo seekhte hain unki tadad badh jayegi. To ye kya aapne kiya, पास्ट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई ग्राफ आ जाए फ्यूचर ट्रेंड का तो आपने ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स वहां पे यूज करने हैं। ओके, वधिया हो गया काम। अब मैं आपको एक टिप देता हूं, ट्राई टू यूज एकेडेमिक फ्रेजेस फॉर डिस्क्राइबिंग फ्यूचर ट्रेंड्स टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। एकेडेमिक फ्रेजेस का, जुमलों का का इस्तेमाल करें ताकि आपकी राइटिंग जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट, it is estimated that, it is likely, right, chances are or there are chances for, it is likely, it is expected, there is the likelihood of, means inke hone ka ihtimal hai ya chances hain. It is estimated that the number of students of Spanish will rise significantly. It is estimated. ये क्या है, ये आपकी academic phrases हैं और इनको आपने use करना है future trends के साथ। आइए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, कुछ और sentences सीखने हैं, उनका structure देखना है कि क्या है। पहला sentence है, the number of students of English is set to reach over 700 million. The number of students of English is set to reach. अभी वो बड़े नहीं है,
अभी पहुंचे नहीं है 700 मिलियन पे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो तैयार हैं। ये भी क्या है, आप एस्टीमेट कर रहे हैं, एकेडमिक फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर के बारे में कोई चीज है जो होने वाली है या होने के लिए तैयार है। By 2030, the number of students of Mandarin will have risen sharply to over 500 million. By 2030, 2030 तक, the number of students of Mandarin, Mandarin के जो students हैं वो will have risen sharply, will have risen, future perfect tense, कि बहुत तेजी से बढ़ चुके होंगे to over 500 million, 500 million से भी ज्यादा। समझ आ रही है बात? ये मैं आपको फ्यूचर में ट्रेंड्स बताने का तरीका सिखा रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत तैयारी के साथ आया हूं आज मैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्शंस शो दैट, कि जो प्रोजेक्शंस हैं, जो डेटा की प्रोजेक्शंस हैं वो बताती हैं, ये हैं एकेडमिक फ्रेजेस जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने फ्यूचर का डेटा डिस्क्राइब करने के लिए यूज करनी है। प्रोजेक्शंस शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेनिश इज लाइकली टू इंक्रीज स्टेडली, के उनके मुतवातर बढ़ने का चांस है, इम्कान है, इहतमाल है या मुमकिन है कि वो बढ़ जाए। तो ये भी एक फ्रेज है, प्रोजेक्शंस शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेनिश इज लाइकली टू इंक्रीज स्टेडली। बात समझ आई? ये जुमले लिखते जाएं, कसम से वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो ऐसे एंड पे कहोगे हाँ बड़ी अच्छी थी वीडियो, बहुत अच्छी थी, नहीं, लिखो इन चीजों को, लिखें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी एक कॉपी बनाएं। अगर आप मेरी राइटिंग की वीडियो देख रहे हैं वहां पे राइटिंग लिखें, जो टॉपिक सिखा रहा हूं उस टॉपिक का नाम लिखें, तो मैं आपको सारी चीजें दिखा भी रहा हूं साथ साथ। यानी जब आप अपने हाथों से लिखेंगे, आपके अपने नोट्स आपके सामने बने होंगे तो कितना अच्छा रहेगा। मुझे इंडियन पंजाब से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उसने मुझे अपनी कॉपी की तस्वीर भेजी, कॉपी के ऊपर उसने अपना नाम लिखा हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ, फिर जो टॉपिक मैंने सिखाया वो लिखा हुआ। तो इसी तरह से आप भी अपने नोट्स बनाएं ताकि आइट्स को करके, आइट्स से छुटकारा पा के, अच्छा बैंड लेके तो निकले यार, निकलो 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 निकलो, ठीक है? ये ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंप्लीट रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा राइटिंग अबाउट ग्राफ्स विद अ फ्यूचर ट्रेंड। वही ग्राफ जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था, उसी ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उस पर 150 वर्ड्स मिनिमम की जो रिपोर्ट है वो हम लिखेंगे, 200 वर्ड्स प्लस पे भी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। तो इस ग्राफ को जरा आप गौर से देखें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इस ग्राफ को गौर से देखने का, इसके बाद ये ग्राफ भी आपके सामने रहेगा और मैं जो रिपोर्ट आपको लिखवाने जा रहा हूं वो भी आपके सामने रहेगा। अगर आप लिख लें तो क्या ही बात है, या फिर अपने मोबाइल से, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लें ताकि ये आप इसको बाद में यूज कर सकें। राइट, हमारा टॉपिक क्या था, द ग्राफ बिलो शोज प्रेडिक्शंस अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु विल स्टडी थ्री मेजर वर्ल्ड लैंग्वेजेस बिटवीन 2020 and 2030. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. और जो अभी मैं आपको रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगा ये 7.5 बैंड्स की है। वैसे तो रिपोर्ट राइटिंग के 3 बैंड्स होते हैं और ऐसे राइटिंग के 6 बैंड्स होते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है अगर आप ओवरऑल क्राइटेरिया में देखें तो ये रिपोर्ट 7.5 बैंड स्कोर के लिए है। अब देखते हैं कि 7.5 बैंड की जो रिपोर्ट है उसको कौन से पर लगे हुए हैं कि 7.5 बैंड आ गया। ओके, लेट्स सी दैट। फर्स्ट पैराग्राफ, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स एंटीसिपेशंस अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टडी three major languages over the 10-year period from 2020 to 2030. ये पहला पैराग्राफ लिखना मैंने आपको सिखा दिया था, बहुत अच्छे से सिखाया था, बड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है, रीवर्डिंग में। द डायग्राम illustrates anticipations, यानी anticipations ही है ना, expectations हैं, about how many students will study, future will study three major languages over the 10-year period from 2020 to 2030. The figures are given in millions. ठीक हो गया, millions में दी हुई है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कोई मसला है, कोई difficulty? ये पहला paragraph हो गया, introductory paragraph आपने लिख ली है। अब आगे चलते हैं, next paragraph में हमने overview देना है इस पूरे data का। Overall, it is interesting to know that there will be a steady upward trend in the number of students who study English, overview है, ठीक है, who study English, Spanish or Mandarin along with the globalization, ठीक हो गया, समझ आ गया, डेटा को देखें, जो मैं रिपोर्ट लिख रहा हूं उसको देखें, मैच करें आपस में, मैच हो रहा है, ठीक है, लेट्स गो ऑन। ऑल्सो इट इज स्ट्राइकिंग दैट Mandarin विल हैव बीन द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स बाय 2028 इंस्टेड ऑफ स्पेनिश।
गौरेट 2028 तक मंडेरियन जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी स्पेनिश की बजाय। गौरेट ये क्या है, ये आपने ओवरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू, ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बॉडी है। अब आपने क्या करना है, स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करना है और उस पर आपने कॉमेंट करना है। ये हमारी पिछली वीडियो का टॉपिक भी था, लेट्स गो ऑन। टू बिगिन विद इफ वी लुक एट इंग्लिश इट विल स्टार्ट एट अराउंड 550 मिलियन, 550 मिलियन से शुरू होगी, विच इज द हाइएस्ट फिगर इन 2020, जो कि 2020 में हाइएस्ट फिगर है। एंड देन दे विल बी अ स्टेडी इंक्रीज, उसके बाद मुतवातर इसमें इजाफा होगा टू अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन। अप्रोक्सीमेटली का वर्ड आया क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि 700 मिलियन से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन इन 2024। अगर आप डेटा को देखें जो मैं बात कर रहा हूं, आपको सब नजर आ रहा है कि अच्छा इंग्लिश ठीक है, इसमें क्या है, ये है 2024 तक 700 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। However का मतलब है अब आप ऑपोजिट ट्रेंड जो है वो बताने जा रहे हैं। However, this will be followed by a considerable drop to about 630 million in 2026. के 2026 में there will be a drop, considerable drop. After which the figure will see another steady increase. जिसके बाद फिर फिगर जो है एक इंक्रीज उसको मिलेगा टू अराउंड 750 इन 2030. क्लियरली आप देख सकते हैं 750 2030 तक। Which is the highest? ये क्या है, ये आपका कॉमेंट है, कॉमेंट जरूर करना है। Which is the highest number over the whole period? पूरे पीरियड में ये highest number है, ये क्या है, ये आपका कॉमेंट है। है कोई मुश्किल यार रिपोर्ट लिखनी? और ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं पता थी, आप पता चल गई हूं भी, जो तुम चंगी रिपोर्ट ना लिखो तो फिर तुहानू मैं फिर कुछ नहीं कहना, लेकिन सीख लो। अच्छा बहुत बुरी गल है। As regards Spanish, अब अगले पैराग्राफ में आए, अब हमने स्पेनिश की बात करनी है। As regards Spanish and Mandarin, Spanish will go through a gradual growth. Spanish जो है वो gradual growth में जाएगी from 220 million से इसका आगाज होगा टू 480 मिलियन इन 2030 तक, ये 480 मिलियन तक चली जाएगी, जो मैं बता रहा हूं उसको डायग्राम में भी देखते जाएं। Whereas there will be a considerable and steady rise in the number of people who study Mandarin. Whereas iske saath saath there will be a considerable and steady, double adverb, considerable bahut zyada, study matwatar, rise in the number of people who study Mandarin. The interesting point is that the number of people who study Mandarin or Spanish will be almost the same in 2024. देख सकते हैं 2024 में वो लोग जो मैंडेरियन और स्पेनिश सीखेंगे उनकी तादाद तकरीबन बराबर होगी। और इसके साथ ही आपकी रिपोर्ट मुक गई। ए रिपोर्ट लिखो देखे तो कितना बैंड आएगा, 7.5। है कोई मुश्किल वर्ड, है कोई ऐसी चीज जो कहो यार ये तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कोई ऐसी चीज जो आपको कहे हाँ यार ये तो सारा ही नया है, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, वही वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, वही वर्ड्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, बस उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी मैंने, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आपको बता दिया, ये बता दिया कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में ओवरव्यू कैसे देना है, बॉडी कैसे लिखनी है, और आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। अब ये रिपोर्ट जो है ये 209 वर्ड्स की है और स्ट्रेट अवे इस आंसर को एग्जामिनर ने 7.5 बैंड दिया, मैंने नहीं दिया, एग्जामिनर ने इसको 7.5 बैंड दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह रिपोर्ट भी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत भी करें यार, मेहनत करो अपनी आइट्स को क्लियर करने के लिए। रिपोर्ट अच्छी लिख लोगे तो आपका बहुत अच्छा बैंड आ जाएगा, रिपोर्ट और ऐसे का बैंड मिलकर आपका अच्छा बैंड बन जाएगा। इसके अलावा मैं आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं, अगर आप में से कोई मुझसे ऑनलाइन आइल्स पढ़ना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असद याकूब विशेस यू अ फैंटास्टिक बेंच स्कोर इन आइल्स, टेक केयर, सी यू सून।